विधानसभा चुनाव नतीजे आने एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीकम गांव के क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी ने शनिवार को दोपहर गणपति बेड़े पर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की, साथ ही पोखर में श्री मोती देव मावा के मंदिर पर आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में विधायक झूमा सोलंकी ने गणपति बेड़े पर गणेश जी एक पोखर में मोती बाबा मंदिर से अपने चुनाव जीतने का आशीर्वाद लिया था और विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होने पर एवं कांग्रेस की सरकार बनने पर पोखर में मोती बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक ने अपने जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत एवं लगन, साथ ही मतदाताओं का पिछले 5 साल में भरोसा जीतने को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस ने जो वचन पत्र में किए वादे हैं उन्हें पूरा करना रहेगा। सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज की बात का वचन पत्र में कही है, उसे पूरा किया जाएगा। साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराना जैसी अन्य योजनाएं इनका प्रयास रहेगी। ये जो रिजल्ट आया पूरी विधानसभा का मध्य प्रदेश में, मुझे जितने वोट प्रचंड विजय हुई है पूरा श्रेय में मेरे कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन और साथ में मतदाताओं का पिछले 5 साल का भरोसा, ये दो चीज़ें बहुत बड़ी थी। तीसरा, हमारे पार्टी की जो वचन पत्र आया राहुल जी के निर्देशों पर, जो मध्य प्रदेश का वचन पत्र बना था जिसमें पहली प्राथमिकता किसानों को दी गई है कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, साथ में किसानों की तमाम समस्याएं वो भी सारी उनका भी समाधान होगा और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो जो बातें उसमें आई गई थी उनको देख के मतदाताओं ने जो वोट किया उसी वजह से ये पूरी जीत हासिल हुई है। प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा रहा है, भाजपा का शासन होने के बाद भी क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात नहीं मिल पाई है अभी तक। पिछले मेरे कार्यकाल के पहले 15 सालों तक पूरा विधानसभा बिकनगांव पिछड़ा रहा है, यहाँ पे विकास के कोई काम नहीं हुए थे। मेरे विधायक बनने के बाद नहर, सिंचाई के तालाब, सड़कें, अस्पताल, ITI कॉलेज, बेरोजगारों के लिए वो तमाम विकास के काम हुए और चूँकि अब सरकार कांग्रेस की बनी तो निश्चित ही जो गति पिछले 5 साल में मुझे मिली थी उसकी कई गुना अधिक गति मिलेगी और पहली प्राथमिकता के साथ फिर से मैं किसान को दूंगी और उनके जो पुराने जितने काम मेरे बाकी थे वो सारे काम मुझे पूरे करना है और बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, महिलाओं को सुरक्षा देना है, जितने विकास के काम बाकी हैं वो सारे काम प्राथमिकता के साथ में करने वाली हूँ। आदिवासी अंचल होने के कारण इस क्षेत्र में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस कई बार देखा गया इस क्षेत्र में पलायन होता है, क्या आपके प्रयास उद्योगों के लिए या महिला उद्योग के लिए रहेंगे इस क्षेत्र में? बिल्कुल रहेंगे। पलायन के नाम पे पूरा खरगोन जिला 2-3 राज्यों में जाते हैं और बड़े दुख के साथ बेरोजगार रोजगार ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते हैं। इसकी बड़ी समस्या का समाधान राहुल जी के जब जब प्रोग्राम हुए हैं उन्होंने कहा चाहे शिक्षित बेरोजगार हों या फिर मजदूर वर्ग हों, दोनों के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारे पूरे क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियों के अभाव हैं, उनको खोला जाएगा जिसमें किसान को भी फायदा होंगे और उनके परिवार के पढ़ने वाले बच्चों को भी और मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। ये साधन आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं।